अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं समोसे की शीट। इसके लिए हमने लिया है 1/2 kg मैदा, कॉर्न स्टार्च 1 कप, पानी और लिया है नमक। अभी हम रेडी करेंगे समोसे का डो। कॉर्न स्टार्च, हमें इसमें पानी ऐड करना है, हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। और समोसे की जो शीट है वो कॉर्न स्टार्च डालने से आसानी से शीट जो रेडी हो जाते हैं। हमारा डो रेडी हो चुका है, अब हम इसे आधे घंटे के लिए ढक के रखेंगे। 1/2 आवर हो चुका है, अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां तैयार करेंगे। हमने इसकी लोइयां तैयार की है, अब हम इसे एक ही शेप में बेलेंगे। देखिए, हमें इसके एक ही शेप के सर्कल बनाना है। हमने इसे पूरी की साइज में बेल के रखा है, अब हम इसे ऑयल लगाएंगे। एक रोटी लेंगे, हमें ऑयल अच्छे से लगाना है। इसके ऊपर थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे, दूसरी रोटी इसके ऊपर इसी तरह से इसके ऊपर ऑयल ऐड करेंगे, आटा डस्ट करेंगे, तीसरी रोटी, ऑयल लगाएंगे, आटा डस्ट करेंगे, ये चौथी। हमें एक ही शेप में इसको ये करना है। इसी तरह से हमें सारी रोटियों को तैयार करके लेना है। अब हम इसे बेलेंगे, अब हम इसे बड़ी रोटी की शेप में बेलेंगे। इसे हमें बहुत ही हल्के हाथ से बेलना है। हमारा तवा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें रोटी डालेंगे। हमें इसे बिल्कुल ही हल्का सेकना है, इसे हमें फौरन टर्न करना है। देखिए, सेक चुकी है, हमें इसे इस तरह से अलग करना है, गरम गरम ही अलग करेंगे। देखिए कितनी आसानी से अलग हो रहे हैं। देखिए बहुत ही आसानी से निकल रहा है। ये एक रोटी हमने 4 रखे थे, ये दूसरी, बहुत ही आसानी से निकलते ये। हमारी रोटी रेडी हो चुकी है, अब हम इसे कटर की मदद से साइड से थोड़ा सा काटेंगे। हम इसके 3 पीसेस करेंगे। देखिए कितने अच्छे से हमारी समोसे की शीट रेडी हो चुकी है। हमारी शीट बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है, आप इसे फ्रीज करके रख सकते हैं। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।